हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, अब इसकी हम एक डेरिवेशन भी है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन है वहां पे हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो आज इसके बाद करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे ड्राइव होता है उसके लिए ये एक वीडियो है। ठीक है, क्लियर। और ये सॉल्यूशन भी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, कोई प्रैक्टिकली एग्जांपल नहीं ली। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ले ली। ठीक है, इसको हम ड्राइव करते हैं, इसके हम रूट्स फाइंड करते हैं। देखिए कैसे कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप है, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड आएगा। सेकंड में क्या करना है, हमेशा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, वन में। तो वो कैसे करोगे, डिवाइड बाय ए। अगर थ्री होता तो थ्री से डिवाइड करते, फोर होता फोर से डिवाइड करते, यहां पे ए है तो ए से डिवाइड कर दीजिए। बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स पे सेम काम करना है। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर ए, बी एक्स ओवर ए इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। तो मैं इस स्टेप को डायरेक्टली कर रहा हूं, नेगेटिव से ये ए से कट हो जाता है, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये आपका आ गया सेकंड स्टेप, ये आपका आ गया सेकंड स्टेप। अब देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो स्क्वायर के हमारे पास दो फॉर्मूलास होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि अब मैं ए बी वहां पे है तो एक्स वाई की फॉर्म में बोल रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स बाकी टर्म क्या होती है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ये है, ठीक है, तो देखिए ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आप चेक कर लो, ये ए स्क्वायर है, ये टू ए बी है। ये टर्म कैसे आती है, ये टर्म ऐड करने का तरीका क्या है, हाफ करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है टू, उसका हाफ स्क्वायर ऐड कर दो साइड। ठीक है, तो यहां पे हम यही करेंगे हमेशा, जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, इन फ्यूचर भी आप करोगे, तो उसके लिए क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड में देखिए, स्टेप नंबर थर्ड आएगा, एड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करना है। तो यानी कि क्या बने, एक्स स्क्वायर बी ओवर ए एक्स प्लस हाफ ऑफ बी ए, तो ये बन जाएगा बी ओवर टू ए। ठीक है, इसका स्क्वायर ऐड कर देना है दोनों साइड पे, क्लियर। यानी कि ये बनता है हाफ इंटू बी ओवर ए, तो ये बन जाता है b ओवर a का स्क्वायर, क्लियर। तो ये टर्म आपने ऐड करनी है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, ये कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, इसको शिफ्ट कन्वर्ट करते हैं। देखिए a स्क्वायर, ये हमारे पास है b स्क्वायर, क्लियर। अब मिडल में बनना चाहिए टू a इंटू b, b की वैल्यू हमारे पास है b ओवर टू a। तो अब चेक कीजिए, ये फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। राइट साइड पे उसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहां पे स्क्वायर आना दोनों तरफ। ठीक है, तो आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट हुआ, देख लीजिए, टेक ए लुक। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। तो हम इसको लिख लेंगे एक्स प्लस बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर। अब राइट साइड पे इसे एलसीएम ले लीजिए, तो
तो 4a² एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 4ac + d²। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, क्योंकि फोर स्टेप करना है, स्टेप नंबर 4 करेंगे, पहले कर लेते हैं फिर आपको बताता हूं क्या है। देखिए सबसे स्पेशल चीज है नोट करने वाली, हमें पता चल जाएगा रूट कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब नेक्स्ट है स्क्वायर रूट, स्क्वायर को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = b/2a माइनस 4, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं b² - 4ac / 4a², तो रूट आ जाएगा। और आपको पता है जब भी रूट रिमूव करते हैं तो दो वैल्यूज होती है, प्लस की एक माइनस की। ठीक है, अब याद रखना है यहां पे बेटा, आपको पता है रूट में हमेशा हम पॉजिटिव नंबर की ही बात करते हैं, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, अप टू 10th क्लास। ठीक है, रियल नंबर्स, क्लियर। तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव बनेगा, अगर b² - 4ac/4a² पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव, तीन चीजें बन सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर पॉजिटिव बनेगा तो रियल रूट बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में क्या बनेगा, रियल रूट्स, क्लियर। ठीक है, और जीरो के लिए भी क्या बनेगा, रियल रूट्स, और नेगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, मतलब 10th क्लास तक हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो x = ये राइट पे ले जाओ, बन जाएगा -b/2a ±√b² - 4ac। अब जब नीचे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 आ जाएगा ओवर में अंदर के, तो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं x = -b + √d/2a b² - 4ac। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये इसके बन जाते हैं रूट्स, ये इसके क्या बन जाते हैं, रूट्स, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पर नोट लिखने वाला हूं इसके लिए कि नेक्स्ट सम में नेक्स्ट जो मेथड आएगा उसमें हम क्या किया करेंगे, इसको हम डिलीट कर लिया करेंगे, डिलीट कर लिया करेंगे b² - 4ac। ठीक है, तो इसकी तीन वैल्यूज बनेंगे, d > 0, d = 0 और d < 0। तो < 0 मीन्स नेगेटिव, तो नो रियल रूट, इसके लिए आएगा रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसमें आएगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट रूट होंगी बट रियल वैल्यूज होंगी, इसमें रियल होंगी बट इक्वल होंगी, दोनों सेम होंगी, इसमें नो रियल रूट, मतलब आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब इस स्टेप से आगे हम सॉल्व इसको करेंगे, वैल्यू नहीं आएगी इसकी। ठीक है, तो ये था अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक सम करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सॉल्व, देखिए सम, सॉल्व 2x² - 5x + 3 = 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2x² - 5x = -3, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, सेकेंड स्टेप में आप 2 से इसको करोगे डिवाइड, 2 से इसको करोगे डिवाइड, जब आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x² - 5/2x = -3/2, ये आपका सेकेंड स्टेप, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। थर्ड स्टेप आपका क्या था, एड करना है हाफ ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, 5/2, इट बिकम 5/4। तो हमें 5/4 से क्या करना है, एड करना है बोथ साइड। ठीक है, क्लियर, एड बोथ साइड, तो हम हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, x + 5/4 का होल स्क्वायर, आप चेक करके देख सकते हो, a² b² 2a। अब ये बन जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, ये हमारे पास बन जाएगा -12 प्लस, ठीक है,
आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस सिक्स एंड 5 टू जा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास बनेगा x 5 ओवर 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। अब देखिए हम यहां पे नेगेटिव बन गए, ये हमारे पास क्या बन गया नेगेटिव, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे नो रियल रूट, ठीक है, क्लियर। सॉरी बेटा यहां पे शायद मैंने स्क्वायर को ऐड करना था, ठीक है, इन केस नेगेटिव बन भी जाए तो नो रियल रूट, ठीक है, बट यहां पे चेंज आएगा, चेंज आएगा, देखिए मैंने स्क्वायर ऐड करना था ना, 3/2 ये बनेगा 25/16, अब ऐसे आएगा 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा देखो 8 3 24 प्लस 25, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। अब देखिए ये है हमारे पास पॉजिटिव, तो इसके बनेंगे रियल रूट एंड डिफरेंट, रूट्स बनेंगे रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये बनेगा x 5/4 प्लस माइनस अंडर रूट 1/16, ये आपका है फोर्थ स्टेप। तो देखिए ये बनेगा x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब एक बार क्या कीजिए, प्लस वाले को अलग कर लीजिए और एक बार कर दीजिए माइनस वाले को अलग, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट्स बनते हैं, रूट्स क्या बनते हैं, माइनस 4/4 एंड माइनस 6/4, मीन टू से माइनस 1 माइनस 3/2, क्लियर। तो ये है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर सुन लीजिए, सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट करना, सेकेंड जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर देना, थर्ड हाफ ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐड कर देना बोथ साइड, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके बन गया। नेक्स्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के बाद यहां पर तीन टर्म्स बन सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट, जीरो के लिए रियल एंड इक्वल, और नेगेटिव के लिए नो रियल, उसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्लियर। तो इट इज ऑल अबाउट द कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, धन्यवाद।